नमस्कार गोपाल। इधर के लोग काफी एक्साइटेड हैं, इधर के लोग बचपने में चले गए हैं। मेरी दुआएं कि आप हमेशा बच्चे बने रहें। बाय द वे, मेरा नाम दिवाकर मिश्रा है और मैं नवाबों की नगरी लखनऊ से पधारा हूँ। और मैं सबसे पहले विन को और वारियर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक मौका दिया भोपाल देखने का, क्योंकि यहाँ सब भोपाल के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, है ना? सब अलग अलग कॉलोनी से आए हैं। और इवन मुझे पता लगा है अराउंड 200 किलोमीटर दूर से भी लोग यहाँ पर आए हैं। तो आप सभी ने आज डिसीजन लिया विन का ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। मैं चाहता हूँ एक बार दोबारा जोरदार तालियां अपने लिए बजाएं। ताली अभी भोपाल वाली नहीं है। हमारा लखनऊ में, हमारे लखनऊ में हमें कोई ऑडिटोरियम मिलता नहीं हो, क्योंकि जितनी बार वेस्टिजियंस उस ऑडिटोरियम में कोई प्रोग्राम करके जाते हैं ना, उसके बाद उसको रिपेयर करवाना पड़ता है, है ना? हम इतना धूम धड़ाका करते हैं, इतनी मस्ती करते हैं और इतना खुल के तालियां बजाते हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है तालियों वाला कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो एक बार दूर करेंगे सारे के सारे। अभी इस बार एक मिनट, मुझे पता है कि मैं कहीं इवेंट करने गया और वहां पर मैंने कहा भाई अपने लिए तालियां बजाना, तो कोई ताली नहीं बज रही थी। तो एक खड़ा हुआ, सर कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा बताओ भाई क्या कहना चाहते हो? तो उसने, सर अच्छा नहीं लगता अपने लिए तालियां बजाते हुए। तो मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पर भी ऐसे ही बैठे हैं, तो एक बार जरा मेरे लिए तालियां बजाएंगे जोरदार वाली। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरा नाम दिवाकर मिश्रा है, मैं यूपी के एक बहुत छोटे से शहर के छोटे से गांव में बहुत छोटा सा पैदा हुआ था कुछ साल पहले। बचपन बहुत अच्छा था, बहुत, जैसे आपके घर में जब आपका कोई नन्ना मुन्ना आता है, घर वाले कितने खुश हो जाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी उससे उम्मीदें पालना शुरू कर देते हैं। मैं बड़ा मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो स्कूल टीचर थे और फादर मेरे बिजनेसमैन थे। धीरे धीरे मैं बड़ा होता रहा, बहुत सुंदर सा मेरा बचपन था। पर कहानी में ट्विस्ट तब आनी शुरू हुई कि जब मेरे पेरेंट्स ने डिसीजन लिया कि मुझे अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी है और उस गांव से निकल के वो शहर में आए। मैं चार भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, मेरे से बड़ी मेरी एक सिस्टर है। और पिताजी ने अपने सारे सपने मेरे साथ जुड़ने शुरू कर दिए। पिताजी का बिजनेस था, मैं बड़ा होता रहा, बिजनेस धीरे धीरे तरक्की करता रहा, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मैंने स्कूलिंग करी, स्कूलिंग करने के बाद मैं 12th में गया और धीरे धीरे मेरे जो बिजनेस थे पिताजी का, वो धीरे धीरे डावाडोल स्थिति में आना शुरू हो गया। कभी पैसे आते थे, कभी महीनों बीत जाते थे पैसे नहीं आते थे, और घर में बहुत सारी दिक्कत परेशानियों का सामना होना शुरू हो गया। जब मैं बड़ा हो रहा था 15-16-17 साल का, तब मैंने अपनी फैमिली के अंदर दो चीज़ें देखी। एक, अपने ग्रैंडफादर की ज़िंदगी को देखा, जिनके पास बधी बधाई रकम आती थी, हर महीने उनके पास बिल्कुल फिक्स शेड्यूल होते थे कि इतने पैसे आ रहे हैं, इन इन जगहों पर खर्चे होंगे। और दूसरी, मैंने अपने पिताजी की ज़िंदगी को देखा कि जहाँ पर कुछ पता नहीं था कि इस महीने इतना आ रहा है तो नेक्स्ट मंथ कितना आएगा। कभी पैसे आए तो बहुत अच्छी ज़िंदगी है, और पैसे नहीं आए तो फिर जो महत्वपूर्ण काम है वो भी नहीं हो पाता था। मेरी स्कूलिंग कम्प्लीट होने को थी और मेरे मन में बहुत सारी उथल पुथल मची हुई थी। मैंने डिसीजन लिया कि मुझे भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है, पर ये दोनों काम नहीं करना है, ना पिताजी वाला करना है और ना ही मेरे ग्रैंडफादर का जो था अपनी नौकरी, मुझे वो भी नहीं करनी है। तो फिर करना क्या है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। कहते हैं कि जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो सिर्फ आप अपने भाग्य के बारे में खुद फैसला नहीं करते, अपने फ्यूचर के बारे में खुद फैसला नहीं करते, बल्कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं वो तय करते हैं कि बच्चा क्या करेगा। मेरे भी पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि तुम्हें 12th पास आउट करना है मैथमेटिक्स से और बनना है इंजीनियर, क्योंकि पिताजी का ख्वाब था कि बच्चा इंजीनियर बन जाए। इंजीनियर बन जाएगा तो उनका भी जो रुतबा है वो समाज के अंदर थोड़ा बढ़ जाएगा,
हाँ है ना, ऐसे आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके भाग्य का फैसला उनके पिताजी ने किया रहा होगा, किसी के पिताजी ने उनको इंजीनियर बनाना चाह रहा होगा, किसी को डॉक्टर, किसी के पिताजी ने उसको एडवोकेट बनाना चाहा होगा। सो मैंने 10+2 के बाद इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करी, मैंने वहाँ पर मैंने एंट्रेंस की एग्जामिनेशन उसको मैंने क्लियर किया। लेकिन जब ये सारा सब कुछ हो रहा था तो उस टाइम जो पिताजी के हालात थे फाइनेंशियल, वो और बुरी पोजिशन में जा चुके थे। और कुछ हुआ यूं कि मैंने, मुझे मौका नहीं मिला कि मैं इंजीनियरिंग में दाखिला ले सकूं। सो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं करूंगा ग्रेजुएशन और बनूंगा मैं IAS, क्योंकि वो बनना बहुत इजी था, वो मेरे हमारे अपने कंट्रोल में था। सो मैंने लखनऊ से मूव कर गया मैं इलाहाबाद, और वहाँ मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लिया ग्रेजुएशन में। मैं ग्रेजुएशन करने लगा, लेकिन तब तक पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर था कि हमारी जो आर्थिक स्थितियाँ थी और धीरे धीरे वो सुधरने की बजाय और बुरी होती चली जा रही थी। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तभी फर्स्ट टाइम ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में, कहते हैं जहाँ चाहे वहाँ राह है, और मेरे एक मित्र ने मुझे इनवाइट किया एक ऐसे ही सेमिनार में, जैसे आप में से बहुत सारे लोग आज पहली बार यहाँ पर आए होंगे। और वो जो सेमिनार था वो डायरेक्ट सेलिंग की एक दूसरी कंपनी का सेमिनार था। मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में था क्योंकि मुझे कुछ करना था, और उस शाम मुझे एक मौका मिला कुछ नया सीखने का, कुछ नया समझने का, दुनिया किस दिशा में जा रही है वो जानने का। सो मैंने उस शाम बैठे बैठे भीड़ में बिल्कुल पीछे में बैठा हुआ था और एक डिसीजन लिया कि जिंदगी में मुझे अगर कुछ करना है तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग करना है। ये बात मैंने जैसे ही अपने पिताजी को बताई तो आपको क्या पता होगा पिताजी ने क्या बोला होगा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल ज्वाइन कर लो। नहीं, मेरे घर वालों से लेके मेरे दोस्तों तक, मेरे रिश्तेदार और मेरे पड़ोसियों, जिससे भी मैंने कहा कि मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर करता हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं IAS बन पाऊंगा, लेकिन हाँ एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर काम करके मैं शायद अपने उन सपनों को पूरा कर पाऊंगा, अपनी उन जरूरतों को पूरा करना कर पाऊंगा जो मुझे करना है। एक भी व्यक्ति ने, एक भी दोस्त ने ऐसा नहीं था कि जिसने मुझे हाथों हाथ लिया और मुझे उसने बोला हो कि हाँ तुम्हें ये करना चाहिए। एक सिरे से सबने मुझे खारिज किया कि नहीं नहीं ये काम तो कतई बिल्कुल नहीं हो सकता है। सो मैं, क्योंकि मैंने वो बिजनेस करना था तो मैंने बहुत जुगाड़ लगाए, बहुत, जो फादर मेरे पैसे भेजते थे हॉस्टल खर्चे के लिए 2000, उसमें से मैंने 2-3 महीने उसमें कुछ कटौती करी जो चीजें थी हमें, और वहां से कुछ पैसे बचाए, कुछ पैसे मैंने उधार लिए, और उस कंपनी का जो स्टार्टर पैक था, जो किट था, उसको मैंने बाई कर लिया। आज के बहुत साल पहले की ये बात है, 2002 की, 2002 की बात है। और मैं इस बार इस प्रकार से पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ज्वाइन हो गया। मैं इधर उस बिजनेस को बिल्ड करता रहा, उधर मैंने अपनी, क्योंकि घर में सिचुएशन बिल्कुल उल्टा होना शुरू हो गया, उधर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। ग्रेजुएशन के बाद मुझे और आगे की पढ़ाई करनी थी पर पिताजी ने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा तुम्हें चुनना पड़ेगा, या तो तुम्हें नौकरी, या तो तुम्हें पढ़ाई करनी है कंटिन्यू, या तुम्हें वो अपना बिजनेस प्रमोट करना है। मैंने बहुत गुड़ागड़ित लगाया और फाइनली मेरी अंतरात्मा से एक आवाज आई कि इस बिजनेस को ही तुम्हें चुनना चाहिए, लेकिन उस बिजनेस को भी कंटिन्यू करने के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत होगी। और पिताजी के हालात ऐसे नहीं थे कि वो कुछ पैसे अतिरिक्त मेरे लिए कुछ निकाल पाते। जब मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में था तब मैंने एक डिसीजन लिया कि मैंने, हमारे यहाँ एक प्रोग्राम होता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत, और मे भी शायद यहाँ पर भी वो चलता होगा। सो मैंने अपने दोस्तों से पता किया कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है क्योंकि मुझे बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, तो मुझे पैसे कहाँ से मिल सकते हैं? तो सबसे आसान सा जो रास्ता मुझे समझ में आया, जो मुझे बताया गया, वो ये बताया गया कि अगर तुम अपनी 10th class की मार्कशीट को किसी भी बैंक में जाके बंधक बना दो, उनको एक प्रोजेक्ट बता दो, तो तुम्हें आसानी के साथ में 1,00,000 रुपए मिल सकते हैं और तुम उससे अपना ये बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हो। आप सोचो कि इतने साल पहले, आज तो मैं जब बताता हूं तो मुझे बड़ा रोमांच महसूस होता, मुझे बड़ा अच्छा लगता, सुनने वाले लोग भी तालियां बजाते हैं, पर उसमें मेरे हालात क्या रहे होंगे। मैंने बैंक में अप्लाई किया और जाके मैंने वो मार्कशीट अपनी वहां पर रखी, और मुझे बैंक मैनेजर ने जो 1,00,000 रुपए देने का वादा किया था उसमें 10,000 रुपए अपने जो कमीशन के थे उसने काट के 90,000 रुपए मुझे उसने हाथ में दे दिए। मुझे जो बिजनेस उसे एस्टेब्लिश करना था वो बिजनेस तो मैं बना नहीं पाया, लेकिन हाँ एक बात जरूर हुई कि जो पैसे मुझे मिले थे वो
कब और कैसे और कहां पर चले गए उसका मुझे कुछ अंदाजा भी नहीं मिल पाया। और मेरे ऊपर जो बैंक की जो ईएमआई थी वो हर महीने मन दर मन वो चढ़नी शुरू हो गई, जो मैं रीपे नहीं कर पा रहा था। और एक टाइम ऐसा आया, एक सवा साल बीतते बीतते, कि मुझे बैंक ने, आपको पता होगा कि जब आप ईएमआई दे नहीं पाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो घर के ऊपर उनके बंदे आते हैं आपसे ले जाने के लिए पैसे, उसको हमारे यहाँ पर अमीन बोला जाता है, और वो घर पर आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, वो हमारे रेपुटेशन के खिलाफ होता है। और जब वो हमारे घर पर आया करता था और वो ये कहता था कि आपका बेटा दिवालिया हो गया है और अब वो रीपे नहीं कर पा रहा है पैसों को, तो मेरे घर से मुझे गालियां पड़ती थी। और मुझे ये साबित कर दिया गया कि ये घर का सबसे नालायक बच्चा है। लोग मेरे पड़ोस में ये एग्जाम्पल देना शुरू कर दिए कि अगर ईश्वर बेटा दे पर मिश्रा जी के जैसा बेटा किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि अभी बहुत अच्छी बात सुनीता मैम ने बताई थी कि जब दुनिया वाले आपको अंडरएस्टिमेट करते हैं या आपको दबाने की कोशिश करते हैं या आपके ऊपर क्वेश्चन खड़ा करते हैं, तो वो सबसे अच्छा टाइम होता है कि जब उतने दबाव में आप सबसे बढ़िया एक डिसीजन ले सकते हैं। वो ईश्वर आपको चेक कर रहा होता है कि क्या आपकी वो काबिलियत है, क्या आप बड़े से बड़े जो मुश्किलात आएंगे क्या उसका सामना कर पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे वैसे आपकी मुश्किलें भी बड़ी होनी शुरू हो जाती हैं। सो आई थिंक वो एक चेकिंग टाइम था मेरे लिए। और हुआ क्या कि उसी बीच जब मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट रहता था क्योंकि ड्रीम बहुत बड़े थे, जो करंट सिचुएशन थी वो इतनी बुरी हो चुकी थी, हाथ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, वो बिजनेस मेरा चल नहीं रहा था, तो उसी टाइम मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि तुमको जॉब ज्वाइन करनी चाहिए कुछ समय के लिए। मैंने कहा मैं कौन सी ऐसी जॉब कर सकता हूं, क्योंकि मैं सिंपल ग्रेजुएट हूं और मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पर जो पढ़ाई करी है वो भी मैंने पढ़ाई करी हुई है एंसेंट हिस्ट्री, उसका कोई मतलब है, कोई नौकरी मिलती है इतिहास पढ़ने वालों को? तो ऐसे मैंने सब्जेक्ट ले रखे थे जिसमें कोई ऐसी नौकरी मुझे मिल नहीं सकती थी। लेकिन कहते हैं मित्र वो बहुत अच्छे होते हैं, उसने मुझे हौसला दिया और उसने कहा कि तुम कर सकते हो, तुमको ट्राई करना चाहिए, फार्मास्यूटिकल जॉब में जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा कम्युनिकेशन बढ़िया है, तुम चीजों को बहुत अच्छे से सीख सकते हो और सीखने की तुम्हारी चाहत भी है, तुम्हारी क्षमता भी है, तो तुम अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे। और मैंने अपने दोस्त के कहने पर पहली बार एक कंपनी के अंदर अप्लाई किया और वो जो पोजीशन थी वो थी रिप्रेजेंटेटिव की, जिसको कहते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एमआर जिसको बोलते हैं, आप बहुत सारे लोगों ने देखा होगा सुना होगा, है ना, अभी डॉक्टर साहब हैं तो ये तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। सो हमारी एक कंपनी है वो बहुत रेपुटेटेड कंपनी है और उसके अंदर एक वैकेंसी आई। मैंने बहुत सारी पढ़ाई लिखाई करी कि क्या वो सवाल करते हैं और क्या मुझे जवाब देना होगा और कैसे वो मैं नौकरी हासिल कर पाऊंगा। सो मैंने जिस दिन, मुझे आज भी याद है कि मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था, जब मैंने अपनी पूरी तैयारी करके और मैं इंटरव्यू हॉल के अंदर बैठा तो कुछ इसी तरीके से लोग वहां पर बैठे हुए थे पहले से, और जो लोग पहले से बैठे थे वो वेल अप टू डेट थे, बाकायदा अंग्रेजी बोल रहे थे, सब एक्सपीरियंस लोग थे, कोई 5 साल, कोई 7 साल, कोई 8 साल, और वो उसी के लिए आए थे, उसी पोजिशन के लिए आए थे जिसके लिए मैं गया था। जब मैं वहां पर गया और मैं किनारे बैठ गया, लोगों से बातचीत होनी शुरू हो गई, तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे एक राय दी। उनने कहा कि देखो यहाँ पर सब के सब एक्सपीरियंस लोग आए और इतनी ही वैकेंसी है, तो मेरे ख्याल से आपका होगा नहीं, इसलिए आप पूरा दिन अपना जाया ना करें, बर्बाद ना करें, मेरे ख्याल से यहां से आपको चले जाना चाहिए। मेरे भी मन में एक बार ये आया कि मैं क्यों यहां बैठा हूं, मुझे सच में यहां से जाना चाहिए, कि मैं उस इंटरव्यूअर के सामने पहुंच के और अपनी भद कराऊं, उससे बेहतर है कि मैं उसको फेस ही ना करूं और यहां से निकल जाऊं। लेकिन फिर अंतरात्मा की किसी कोने से आवाज आई, अगर आ ही गए हो तो एक बार फेस करने में क्या जाता है। और आज मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हर एक व्यक्ति को मैं बोलता हूं कि जब आप किसी मुश्किल की घड़ी में होते हैं या जब भी कभी आपको जिंदगी में फैसला लेने वाली घड़ी आती है, तो एक बार चेक करना आपके अंतरात्मा से क्या आवाज आ रही है, आपके अंदर से क्या आवाज आ रही है। वही आवाज है जिस पर आपको चलना है, वही आवाज है जिसको अगर आपने सुन लिया और स्वीकार कर लिया और चल पड़े तो आपकी जिंदगी में बहुत तरक्की मिलेगी। सो मेरा जब नंबर आया इंटरव्यू के लिए, मेरी सीवी जब सामने उसकी आई इंटरव्यूअर के, उसने कहा मिस्टर मिश्रा मैं आपसे पूछूं क्या,
क्योंकि आपको पता है आपने किस पोजीशन के लिए इंटरव्यू देना है। मैंने कहा मुझे मालूम है। बोले क्या है? मैंने कहा कि आपने निकाला हुआ है दवाइयां बेचनी है, तो वो तो मैं बेच लूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं कर सकता हूं उस काम को। बोले दवाइयां बेचनी है पर दवाइयों के बारे में कुछ आपके पास ज्ञान है? मैंने कहा कोई ज्ञान नहीं है, मैंने सुना है कि आप ट्रेनिंग करते, आप मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, मैं एक एक दवाई के बारे में सीख जाऊंगा, समझ जाऊंगा। बोला आपके पास तो जो हमने जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस मांगी है वो तक तो आपके पास नहीं है, हमने बीएससी बायो मांगी है और आप ये लेके आ रहे, आपके पास सेल्स का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर मैं कैसे दे दूं? तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने उल्टे मुझसे पूछा। मेरे ख्याल से पता नहीं आप में से कभी किसी ने सुना है, ऐसा भी कभी इंटरव्यू होता है, लेकिन कहते जब ऊपर वाला साथ होता है तो सब कुछ संभव हो जाता है। उन्होंने मुझसे सवाल कर लिया, मिस्टर मिश्रा मैं आपसे क्या पूछूं? मैंने कहा सर अगर मुझसे ही पूछ के पूछना है मेरा आईक्यू टेस्ट कर लो, मैंने 10+2 की पढ़ाई करी है मैथमेटिक्स से, अगर आपको मैथमेटिक्स आता है तो कुछ सवाल मुझसे कर लो, अगर मैंने जवाब दे दिया इसका मतलब मैं दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक हूं, और आप मुझे सिखाओगे तो मैं आपके काम को बहुत अच्छे से कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी इस समय सख्त आवश्यकता है, मुझे ये नौकरी चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। मिस्टर धीर मल्होत्रा जो मेरी जिंदगी मेरी प्रोफेशनल लाइफ के पहले जो हमारे टीचर रहे, वो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे और उन्होंने कहा मुस्कुराते हुए, ठीक है मुझे भी मैथमेटिक्स ज्यादा तो नहीं आती है, पर हाँ अगर ये सवालों के जवाब तुम दे लगे तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। उन्होंने कुछ सवाल दिए, 2 मिनट का टाइम दिया, विद इन 2 मिनट मैंने उसको सॉल्व करके उनको दे दिया और इस तरीके से मेरा सिलेक्शन हो गया फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर। ये बात है मार्च 2003 की। मेरे हाथ में एक ऑफर लेटर था जिसके ऊपर मेंशन था कि क्योंकि आपको प्रायर कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस इंडस्ट्री का, इसलिए आपको 2000 रुपए मिलेंगे बेसिक सैलरी और बाकी जो आपको भत्ते मिलेंगे वो अलग से मिलेंगे। मैंने दूसरों की जब देखी तो उसके ऊपर लिखा था कि सभी को 2500 रुपए बेसिक सैलरी मिलेगा। मैंने इस पर ऑब्जेक्शन खड़ा किया, मैंने कहा सेम इंटरव्यू उनने फेस की मैंने फेस की, तो फिर क्यों मेरे में 500 रुपए है? बोला इसलिए कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने कहा फिर ये तो गलत बात है, मुझे ये 500 बढ़ के चाहिए, क्या तरीका है? तो मुझे एश्योरेंस दिया गया कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है अगले कुछ महीनों में तो आपको ये 500 रुपए बढ़ के मिल जाएंगे। मैंने स्वीकार कर लिया क्योंकि मरता क्या ना करता, मुझे तो चाहिए था वो जॉब। फार्मा कंपनी के अंदर 15 दिन की ट्रेनिंग थी, उसके बाद हमें फील्ड के अंदर जाना था। उस 15 दिन की पढ़ाई मैंने जिंदगी में ना उसके पहले कभी इतनी पढ़ाई करी थी ना उसके बाद कभी इतनी पढ़ाई करी। मैं धीर मल्होत्रा साहब के पास गया और मैंने उनसे कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता, सबको 2500 मुझे 2000 मिलता है, मुझे बताइए कुछ तो सीक्रेट होगा, कुछ तो ऐसा होगा जिसको करके मैं इनके इक्वल हो पाऊं, क्योंकि मुझे इन्फीरियरिटी फील होती है। उन्होंने कहा तुम्हारे पास एक मौका है, इन 15 दिनों में अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस बेहतर रही तो तुम इसको अचीव कर सकते हो। और दिवाकर एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना, जब आज तुम करियर शुरू कर रहे हो तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या तो इत्मीनान से आराम से इस नौकरी को करना और जिंदगी भर करना, या पहले कुछ साल पहले कुछ महीने जी जान लड़ा देना, ना खाना देखना ना सोना देखना ना कुछ देखना, और इतना बेहतर परफॉर्मेंस करना कि ये तुम्हारी परफॉर्मेंस तुमको जिंदगी भर रिवॉर्ड देती रहे। मैंने कहा मुझे ये दूसरा वाला सुनना है। मैंने उन 15 दिनों में बहुत पढ़ाई करी, वहां डेली बेसिस पर टेस्ट होते थे। आप में से कोई फार्मा का है जिसने फार्मास्यूटिकल जॉब करी है? सर ऊपर बैठे हुए होती कौन सी कंपनी में आप? हाँ जी, अच्छा। तो मुझे डेली बेसिस पर डेली वहां पर कुछ ना कुछ शाम को प्रेजेंटेशन करने होते थे, बहुत सारे टेस्ट लिए जाते थे, और 15 दिन के बाद मेरी उस 15 दिनों की परफॉर्मेंस को करते हुए मेरे हाथ में एक दूसरा जब अपॉइंटमेंट ऑफर लेटर के बाद अपॉइंटमेंट लेटर आया, मुझे जिंदगी में पहली तरक्की मिली महज 15 दिनों के अंदर, और वो मामूली नहीं थी, 500 रुपए का इंक्रीमेंट था। और उस दिन मैंने ये समझा था कि अगर आप बेहतर करते हैं तो दुनिया आपको रिवॉर्ड देती है, और उसने उस बात ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। सो मैं इस प्रकार से फार्मास्यूटिकल जॉब में चला गया, मैं वहां मन लगा के काम करना शुरू कर गया। पहले ही 6 महीनों में दूसरा इंक्रीमेंट मिल गया, अगले 6 महीनों में तीसरा इंक्रीमेंट मिल गया, पहले ही से 1 साल के बाद मैं फर्स्ट लाइन मैनेजर प्रमोट हो गया, और वो भी हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनीज के अंदर सुमार माइक्रो लैब के अंदर। आप में से बहुत सारे लोगों ने दवाइयां खाई होंगी, एनजीट खाया होगा, है ना, जब आपको नींद नहीं आती, तो मैं उस कंपनी के अंदर था। और विद इन अ ईयर आई वॉज द यंगेस्ट
फर्स्ट लाइन मैनेजर उस टाइम के अंदर सबसे कम उम्र का सबसे कम समय में प्रमोट होने वाला एरिया सेल्स मैनेजर। सो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चलने लग गई, पिताजी भी बहुत खुश रहने लग गए, माता जी भी खुश हो गई, दोस्त भी बड़े अच्छे से खुश होने लगे, क्योंकि जेब में पैसे होते थे, शाम को चाय पीते थे हम, तो चाय का पेमेंट कौन करेगा, दिवाकर मिश्रा करते थे। तो दोस्त भी बड़ा अच्छा लगने लगा, यार तेरे दोस्त हो तेरे जैसा हो, भाई हो तो तेरे जैसा हो, पिताजी बोलते थे बेटा हो तो तेरे जैसा हो। अभी डायलॉग बदल गए हमारे रिलेटिव्स के, हमारे जो इर्द गिर्द लोग थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया भाई बच्चा हो तो मिश्रा जी के जैसे बच्चा का। सो जिंदगी बहुत बढ़िया चलनी शुरू हो गई, लेकिन शायद प्रकृति को कुछ और मंजूर था। एक शाम 2006 मैं अपनी मीटिंग को करके वापस आ रहा था, मेरी मंथ एंड सेल्स की मीटिंग थी और मैं उसको करके वापस आ रहा था अपने शहर बस्ती लखनऊ से। एक भाई साहब मेरे बगल में बैठे बस के अंदर, मैं भी आया, मैंने कहा भाई साहब खाली हो तो मैं बैठ जाऊं, बोले हाँ हाँ बैठ जाइए, मुस्कुराते हुए बड़ी इज्जत और तबीज के साथ, और यूपी में अगर ऐसा हो जाए तो समझ लो फिर आदमी बहुत बढ़िया है, नहीं तो वहां तो रुमाल रख देते हैं। और आखिरी टाइम तक अगर आपने बैठने की कोशिश करी तो फिर तो गोलियां चलती है सीधे डायरेक्ट, वहां कोई ऐसा वो नहीं है, वो बातचीत हम लोग कम करते हैं, सीधे हम लोग एक्शन में विलीन करने वाले लोग हैं। सो भाई साहब ने जब मुस्कुराते हुए बोला हाँ हाँ जी बैठ जाइए बिल्कुल बहुत बढ़िया है, बस थोड़ा आगे चली और उन्होंने अगला सवाल, पहला सवाल दागा, उन्होंने मुझसे कहा भाई साहब खुश हैं काम, अपने काम धंधे में खुश हैं? तो मैं भी मुस्कुराते हुए मैंने बोला जैसे हम सब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ जी बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है, शानदार चल रहा है। थोड़ी दूर और बस आगे चली, उन्होंने कहा भाई साहब जो काम आप कर रहे हैं उसी काम को आगे करते रहना चाहेंगे? तो मेरा वो जो अंतरात्मा सफीर एक आवाज आई, लगता है आज फिर किसी से पाला पड़ा है, लेकिन मैंने कहा पहले इसको चेक करता हूं मैं। तो मैंने कहा हाँ जी जब तक कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तब तक तो मैं यही करना चाहूंगा, क्योंकि इस काम के अंदर मैं धीरे धीरे लगातार तरक्की करके आगे बढ़ रहा हूं। थोड़ी दूर बस और आगे चली तो उन्होंने अगला सवाल किया और उन्होंने पूछा भाई साहब मंजन करते हैं क्या? मेरे अंदर भी आ रहा भाई तू जिस काम को अभी कर रहा है मैं उस काम को छोड़ चुका हूं 3 साल पहले। तो मैंने कहा हां जी करता तो हूं मैं। थोड़ी दूर बस आगे चली, मुस्कुराया, देखा मैं भी मुस्कुराया, उसने कहा भाई साहब स्नान भी करते हैं? मैंने कहा क्यों आपको कोई तकलीफ है क्या? आप बेवजह इरिटेट मत करिए, पहली चीज तो मुझको क्या मेरे से कोई दुर्गंध आ रही है क्या? आप ऐसे ऐसे सवाल किए पड़े हुए हैं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं बहुत सीरियस पूछ रहा हूं, अगर करते हैं तो आप जो है शैम्पू और साबुन भी इस्तेमाल करते होंगे? मैंने कहा आप ये भी पूछ लो चाय पीते हो क्या? बोला हाँ चाय पीते हैं कि नहीं? मैंने कहा बिल्कुल पीता हूँ। मैंने कहा आगे बताओ पूछना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? बोला एक बात बताओ कभी इन काम को करके पैसा आता है क्या? बोलो मैंने क्या जवाब दिया, पैसा आता है क्या? मैंने कहा भाई साहब बिल्कुल नहीं आता। बोले आए तो कैसा लगेगा? मैंने कहा बहुत बढ़िया लगेगा भाई साहब, बहुत बढ़िया लगेगा। तो बोला एक कंपनी है, मैंने कहा यही तो मैं जानना चाहता हूं कंपनी कौन सी है। और पता है उस शाम उस व्यक्ति ने जिस कंपनी के बारे में बताया वो कोई और कंपनी नहीं, हम सब की चहेती कंपनी, बोलो नाम क्या रहा होगा? वेस्टेज। वो प्लान दिखाए पड़े हुए थे, ये परफॉर्मेंस बोनस जुड़ता हुआ बिजनेस और ये कार फंड और ये ट्रैवल फंड और हाउस फंड, और मैं तो मदहोश हुए पड़ा था। इतने साल पहले सोचा था आज ये सही वाली कंपनी लगना मिल रही। मैंने कहा प्लान खत्म, अब बता करना क्या है? बोले 700 रुपए देना, उस जमाने में 100 रुपए का स्टार्टर पैक 625 के नोनी और स्पेलर लेना अनिवार्य होता था, ठीक है? तो 725 रुपए मैंने निकाले, चलती हुई बस में उस व्यक्ति को दे दिया। और जैसे उस व्यक्ति को दिया उसको तो लगा जैसे कोई अनहोनी सी घटना हो गई। उसने कहा भाई साहब मुझे तो कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। मैंने क्या बोला, ये 725 लेने के लिए 725 बार फोन करना पड़ता है और जाना पड़ता है, और आपने एक बार की बात प्लान देखा और आपने ये पैसे दे दिए? मैंने कहा हाँ इसलिए दे दिए। बोला लेके भाग जाऊं तो? तो मैंने कहा मेरा भाग्य लेके तो नहीं जाओगे ना, मैं करोड़पति ना इसके साथ हो सकता हूं और ना इसके बिना हो सकता, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो मैंने कहा लेकिन एक बात है, अगली लाइन ध्यान से सुनना। मैंने उस व्यक्ति को बोला उस चलती हुई बस में
कि आज शायद ईश्वर ने तुमको मेरे पास भेजा है। और अगर आज ये दिवाकर मिश्रा 750 रुपए का रिस्क नहीं ले सके तो इसका मतलब मुझे जिंदगी भर कोई हक नहीं है करोड़पति बनने का, कोई हक नहीं है। जब हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कहते हैं चार चार धुरंधर आ रहे 200 रुपए का टिकट लो, वो कहता कहीं मजा नहीं आया तो 200 रुपए खराब चले गए तो मैं समझ जाता हूं बेटा तुम्हारी जिंदगी में तो ही तो लगा रहेगा, तोता बन जाएगा तू, और कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैंने 750 रुपए उस व्यक्ति को दिए और मेरी बिलिंग हुई और मेरे पास स्टार्टर पैक आया, वो प्रोडक्ट आया और वहां से मेरा ये बिजनेस का सिलसिला शुरू हो गया। मैं बहुत अच्छा कर रहा था अपनी नौकरी में और बहुत अच्छे पैसे कमा रहे थे, करियर शुरू किया था एक साइकिल से और मैं उस जमाने तक मोटरसाइकिल पर आ चुका था। मैंने कहा सब लोग बहुत खुश थे, पहले कुछ दिन तक तो पता नहीं लगा ये है क्या। मैंने नोनीस पहन लिए, पिताजी को दे दी, मैंने कहा बाबूजी इसको खाना, अगर अच्छा लगेगा तो बताना। थोड़े टाइम के बाद बाबूजी ने कहा कि भैया वो डब्बा तो खत्म हो गया है, वो दोबारा मंगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार यानी कि ये व्यक्ति बहुत बढ़िया है, बहुत सही बात बोल के गए हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने मुझसे एक बात कही, मैंने कहा मैं नौकरी करता हूं, आप मुझे बताओ ये बिजनेस मैं कर कैसे पाऊंगा। उन्होंने कहा सिंपल एक काम करना, लिस्ट बनाना, लोगों से मेरी मुलाकात कराना, मैं शुरुआत में आपके साथ काम करूंगा और जिसके करके ये बिजनेस आपका बढ़ेगा और आपको पैसे आएंगे। लेकिन जब मैं ये काम करना शुरू किया पहले महीने तो कुछ खास नहीं कर सका, पर हाँ जो मेरी पेआउट बनी वो 100 रुपए की बनी। आईसीआईसीआई बैंक का 100 रुपए का चेक मेरे घर पर आया करीब 20-25 तारीख के आसपास, तो वो 100 रुपए का जो चेक था वो मेरी जिंदगी का पहला पेआउट था किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से, और मैंने उसको आज भी मैंने उसको सुरक्षित रख रखा। जब 100 रुपए आए थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ा, क्योंकि पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से पैसा आया था, और क्योंकि उधर वो बैंक वाला ईएमआई तो जानी शुरू हो गई, लेकिन पहले से तो इतनी डेफिसिट थी वो कैसे, वो नौकरी से तो पूरी नहीं हो रही थी और भी बहुत सारी दिक्कत परेशानियां उधर चल रही थी, लेकिन ये था कि हाँ चीजें अब ठीक हो जाएंगी। दूसरे महीने जब मैंने पहले महीने देखा कि 100 रुपए का चेक, दूसरे महीने मेरे उस सीनियर ने मुझे बोला कि अगर इस चेक को और बढ़ाना है तो और लोगों तक अपनी बात को रखना पड़ेगा। अब क्योंकि मैं फर्स्ट लाइन था, मेरे अंडर में 5 अलग अलग हेडक्वार्टर पर 5 लड़के थे, तो मेरा बहुत इन्वॉल्वमेंट होता था उस नौकरी में। अब मुझे यहां से भी एक सूरज की किरण नजर आई थी, तो मुझे यहां पर भी मेहनत करनी थी, क्योंकि सपने तो मुझे पता था यहीं से पूरे होने वाले हैं। समस्या कहां पर आनी शुरू हो गई कि अब मैं घर से जल्दी जाने लगा और घर देर रात वापस आने लगा, और जब ये बात होना शुरू हो गया तो शुरू हो गया इंक्वायरी। एक इंक्वायरी बैठाई गई घर के अंदर, पिताजी ने बहुत सारे सवाल किए, माताजी ने सवाल किए और भी लोगों ने सवाल किए, और करते करते तीसरे चौथे पांचवें महीने ये बात खुल गई कि मैंने दोबारा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली है। और जैसे ये बात पता लगी उसके बाद महाभारत शुरू हो गया। वो पिताजी ने कहा कि फिर से तू मेरा नाक काटेगा, अच्छा भला लड़की वालों का रास्ता आना शुरू हो गया था, अब वो भी बंद हो जाएगा, कौन अपनी लड़की की शादी इस लड़के के साथ करना चाहेगा जिसका कुछ भविष्य नहीं, जिसका कुछ पता नहीं। वो मेरे सीनियर वहां अब मेरी नौकरी के अंदर रोज धमकियां मिलनी शुरू हो गई, मुझे पता लगा है दिवाकर तुम कुछ और जगहों पर इन्वॉल्व हो, उससे कंपनी के सेहत पर खराब असर पड़ेगा, तुम्हारी नौकरी जा सकती है। मैंने कहा ये तो बड़ी चैलेंजेज आने शुरू हो गए, मैंने तो चैलेंजेस को खत्म करने के लिए ये काम शुरू किया था। अभी घर में भी खाना मिल रहा है तो 4-5 डायलॉग के साथ मिल रहा है, रात में बाद में एंट्री बंद हो गई कि 10 बजे गेट के ऊपर ताला लग जाएगा। शुरुआत में तो मैंने अपने घर में लोगों को पटाया, भाई को छोटे कि भाई तू धीरे से आ जाया कर, मैं फोन करूंगा ये गेट का ताला खोल दे। पिताजी को पता लग गया, उसकी चाबी अब सिर्फ पिताजी के पास रहने लग गई। मैंने गेट फादना शुरू कर दिया, जब गेट फादना शुरू कर दिया थोड़े महीनों के बाद हमारे यहां मैंने देखा कि वो मॉडिफाई हो गया हमारा पूरा का पूरा, वो जो गेट था उसमें बड़े बड़े भाले नजर आए। अरे आप कोई रिस्क नहीं ले सकते, फिर दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। उधर मेरी कंपनी वाले मुझे तबाह किए पड़े हुए हैं, वो धमकियां दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ये। लेकिन 2006 और 2007 यूं ही चलता रहा और मैं इस बिजनेस को बिल्ड करता रहा। 2007
2006 में जो मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, जैसे कि यहाँ पर पहली तीन हमारी चेक लिखी हुई है, पहली 100 रुपीज की, दूसरी 775, तीसरा 850, और चौथे महीने में इस बिजनेस में बन गया था ब्रॉन्ज डायरेक्टर, और आई वाज द यंगेस्ट अचीवर इन वेस्टीज, इतनी कम उम्र में जिसने ब्रॉन्ज क्वालिफाई किया था, क्योंकि तब कंपनी बहुत छोटी सी थी, सब एक दूसरे से मिलते थे। सो बाली साहब ने ग्रीट किया, लोगों ने ग्रीट किया कि बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, एप्रिसिएशन मिलना शुरू हो गया, मुझे भी लगने शुरू हो गई यार जो सपने कहीं पीछे छूट गए थे अभी पूरे होंगे इस कंपनी के अंदर। सो मेरी जो आमदनी आई उस टाइम पे 5,500-6,000 रुपए के आसपास आई, धीरे धीरे ये आमदनी बढ़ती चली गई, और पहले 2 साल में मैं करता हुआ पहुंच गया लगभग 1,00,000 रुपए की चेक के ऊपर उस जमाने में, और मैंने डिसीजन लिया कि मुझे फाइनली अब अपनी नौकरी को क्विट करना है। मैंने रिजिग्नेशन दिया अपनी उस कंपनी को और मैं फुल टाइम हो गया इस बिजनेस के अंदर। 2008 जब मैं ये बिजनेस बिल्ड कर रहा था, सब कुछ बहुत आसान नहीं था। जो लोग मेरे साथ इनिशियली ज्वाइन थे, नेटवर्क बना, पर धीरे धीरे आगे चलते हुए नेटवर्क फिर टूटना भी शुरू हो गया, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं था नेटवर्क को बनाने का। उस जमाने में जब ये सारी चीजें हो रही थी, मैंने जब मैनेजमेंट को कंसल्ट किया, अपनी अपलाइन को कंसल्ट किया, तो लोगों ने सिर्फ एक बात बोली कि इस बिजनेस को भी बनाने का एक आर्ट है, और वो आर्ट सीखना पड़ेगा, एक तरीका है जो सीखना पड़ेगा, और उसको सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग मीटिंग और सेमिनार्स के अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ाने पड़ेंगे। सो मैंने वो करना शुरू किया, धीरे धीरे फिर मेरी आमदनी बढ़नी शुरू हो गई, धीरे धीरे सब कुछ बढ़िया हो गया, और 2008 में मैंने पहली अपने इस कार फंड के थ्रू गाड़ी खरीदी, अल्टो LXi 2008 6 नवंबर को, ये मेरी पहली कार थी। ये कार भी बहुत आसान नहीं थी लेना, क्योंकि बैंक लोन उन दिनों में बहुत मुश्किल से मिलता था, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं आपके पास ITR है, पर फिर भी मुश्किल आते थे। 2008 में मैंने अपने लिए पहली गाड़ी ली, 2009-10 में मेरे नेटवर्क के अंदर तकरीबन 7 से 8 लोगों ने अपने लिए 9 लोगों ने गाड़ियां खरीदी। उसमें ऐसे लोग थे हमारे साथ कि शायद जिनके पास पहले साइकिल भी नहीं हुआ करता था, और 6 नवंबर 2008 को जब मैंने पहली गाड़ी खरीदी तो मैंने अनाउंस किया कि 6 नवंबर 2011 को मैं अपनी दूसरी गाड़ी लूंगा, इंडिगो ECS VX जो यहां पर खड़ी हुई है, और सेम उसी दिन उसी शाम को ये गाड़ी मेरे पास आई। उसके बाद मैंने फोर्ड की एस्पायर ली 6 नवंबर 2000 को, और आगे फाइनली मैंने अनाउंस किया कि 6 नवंबर 2014 को मैं अपने ले लूंगा RDQ3। जब मैंने अनाउंस किया कि ऑडी Q3 मैं लूंगा 6 नवंबर 2014 को, आपको क्या लगता है लोग बड़े आसानी के साथ मान गए होंगे? लोगों ने बहुत सारे ऑब्जेक्शन डाले, लोगों ने कहा वो छोटी छोटी गाड़ियां बहुत इजी है हासिल करना, पर ऑडी ऑडी होती है। मैंने कहा मैं भी वेस्टीजियन हूं बड़ा वाला। तो 6 नवंबर 2014 को एक साथ 3 ऑडी 6 नवंबर 2014 शाम को 6 बजे आई, एक मेरी अपलाइन की श्री जेके गुप्ता जी की, और एक मेरी डाउनलाइन श्री रमेश नारायण राय की, और वो वेस्टीज में पहला हिस्ट्री क्रिएट हुआ कि एक दिन में 3 गाड़ियां। इस गाड़ी के पीछे की स्टोरी है, मैंने एक शाम फोन किया, जो ऑडी का हमारा बंदा था सेल्स का, उसको फोन किया कि मुझे ऑडी चाहिए। उसने कहा अच्छा सर। मैंने कहा नहीं कब चाहिए? मैंने कहा जब दे दे तब चाहिए, 6 नवंबर तक तो चाहिए ही चाहिए। मैंने कहा लेकिन एक नहीं 3 चाहिए। उसने सोचा लगता है किसी ने दारू पी ली है और शाम को उसको परेशान कर रहा है। और फिर क्या हुआ कि उस बंदे ने, वो तो क्योंकि उसको बिलीव ही नहीं था, फॉलो अप ही नहीं लिया, मैंने दूसरे के थ्रू जब लिया तो वो व्यक्ति मेरे पास आया, बोला सर आप ही ने मुझे फोन किया था एक शाम। मैंने कहा मैंने ही फोन किया था। मैंने कहा लेकिन तूने दिया क्यों नहीं गाड़ी? बोले मुझे विश्वास नहीं था, क्योंकि ऑडी, एक ऑडी बिकने में सालों हमें फॉलो अप देने पड़ते हैं, तब वो क्लाइंट मेरे से ऑडी खरीदता है, और आपने सामने से फोन किया, एक की बजाय 3 मांगा। मुझे लगा कोई लगता गलती से रॉन्ग नंबर मिल गया या कोई मजाक कर रहा है। सो वेस्टीजियंस ऐसे होते हैं, एक शाम 3-3 गाड़ियां। ना कि सिर्फ गाड़ियां मैंने लिया, 2000 आज मेरी टीम के अंदर 100 से भी ज्यादा गाड़ियां हैं, और 4 लग्जरी कार मेरे नेटवर्क के अंदर है। एक व्यक्ति ने मेरे साथ कुछ साल पहले इस बिजनेस को शुरू किया, तब उसकी आमदनी 54 साल की उम्र में सिर्फ 7,000 रुपए महीने की थी, आज उसकी आमदनी तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए महीने की है, और आज 63 साल की उम्र में वो चला रहे ऑडी A3, मिस्टर हमारे MP मौर्य साहब। 22 या इवन इसमें एक और आप ऐड करें, 23 बार मैं विदेश यात्रा अर्न कर चुका हूं वेस्टीज के थ्रू। पहला फॉरेन ट्रिप 2008 में किया, जब पहला फॉरेन ट्रिप मैंने हासिल किया था, मुझे विश्वास नहीं था कि इतने जल्दी ये सब कुछ होगा, तो मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं था। आप वो गलती कभी मत करना। जिस शाम को फ्लाइट थी उस मॉर्निंग में मेरे हाथ में पासपोर्ट था,
और तब अनअराइवल वीजा मिलता था हमारे थाईलैंड के अंदर, तो मैं पहली बार जब थाईलैंड गया तो मेरे पास वीजा ही नहीं था पहले से, वहां जाके मुझे वीजा लेना पड़ा। तो 2008 से जब ये सिलसिला शुरू हुआ, लगातार ये सिलसिला चला, आज इतनी कंट्री हम ट्रेवल कर चुके हैं, एशियन कंट्री, यूरोपियन कंट्री, और बहुत सारी यादें हैं हमारे पास में उस इस फॉरेन ट्रिप के ऊपर। और अभी मैं पीछे होके आया 10 दिनों के लिए साउथ अफ्रीका से, 8 से 10 दिन हम साउथ अफ्रीका रहे। सो पूरा वर्ल्ड घूमने का मौका मिला वेस्टीज के थ्रू। आप बहुत सारी फोटोग्राफ्स है जिसको देख सकते हैं, हमारा पूरा एंटायर टीम है। हम लोग अभी क्रूज के ऊपर थे, ये हमारी अपलाइन श्री जेके गुप्ता जी, मैं और मेरी डाउनलाइन रमेश एंड राय जी, हम सारे के सारे लोग मस्ती कर रहे हैं। 2010 में मैंने शादी बनाई, जिस व्यक्ति के बारे में बोला गया था, लोगों ने भविष्यवाणी करी थी कि कोई व्यक्ति अपनी लड़की इस व्यक्ति को नहीं देगा क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग प्रमोट करता है, उसी व्यक्ति ने 2010 में बिना एक रुपए दहेज लिए, क्योंकि हमारे यहाँ दहेज ना लेना पाप होता है। आप क्या है हमारे यहाँ दहेज ना लेना पाप होता है, वो पाप मैंने किया 2010 में। मैंने मेरी धर्म पत्नी है जिनका नाम रुचि मिश्रा, और आज के दिन पर वो एक्टिवली इस बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, ही सी इज वन ऑफ द एमओएम ट्रेनर भी हैं वो वेस्टीज बिजनेस के अंदर। सो आज मेरी बहुत खुशहाल फैमिली है जिसको मैं कह सकता हूँ हम दोनों बहुत प्यार करते हैं, और हमारे प्यार का परिणाम हमारी ये दो बच्चियां, मेरी बड़ी बेटी है 7 साल की जो स्कूल जाती है, छोटी बेटी है हमारी 2.5 साल की, अभी ये थोड़ी और बड़ी हो गई है, पहले की फोटोग्राफ्स लगी हुई है इसके अंदर। सो हम बहुत खुश हैं और बहुत अच्छी जिंदगी हम जी रहे हैं। ये हमारे एक दोस्त हैं जो फार्मा में थे, ल्यूपिन, फाइजर और बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर काम किया। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था इस बिजनेस को, उस दिन इनकी ज्वाइनिंग डाली थी मैंने। मैंने इनको बोला भाई ये बिजनेस तो कर, ये हर साल बोलता था अब तेरी वेस्टीज अब बंद हो जाएगी, फिर अगले साल बंद हो जाएगी, एक कार के बाद बंद जाओगी, दो कार के बाद बंद हो जाएगी, और फाइनली 2014 में जब मैंने ऑडी ली, ये मेरे पास है, बोले भाई मैं भी ये बिजनेस करना चाहता हूँ। आज ये हमारे साथ क्राउन डायरेक्टर हैं और लगभग 2 लाख रुपए महीने की आमदनी करते हैं, फॉरेन ट्रिप 2-2 बार कर चुके हैं, और अपने लिए अभी ऑडी A3 खरीदने जा रहे हैं। इनका ड्रीम है पहली कार ही सारी लग्जरी कार होनी चाहिए, इतना लेट आए हैं तो अब दुरुस्त जाएंगे। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वो पिछली कंपनी के बारे में मुझे बताया था और आज मेरे साथ हैं और इस बिजनेस में बोल्ड डायरेक्टर हैं। 13-14 साल इंतजार करने के बाद इन्होंने मेरे साथ बिजनेस अभी कुछ महीने पहले शुरू किया है। ये हमारे साले साहब है, इकलौता साला है हमारा, इकलौती बीवी है, इकलौता साला। तो हमारे साले साहब बैंकिंग में थे और जब मेरी शादी हुई 2010 तब इन्होंने मेरे ग्रैंड जो हमारे फादर इन लॉ है उनसे कोई पूछता था भाई आपका दिमाग क्या करता है, बोले साला कुछ तो करता है, क्या करता मुझे मालूम नहीं, लेकिन गाड़ी घोड़ा है, विदेश जाता है, पैसा वैसा है, बिटिया बड़ी पढ़ाई करती है उसकी, तो कुछ तो करता है। सो मेरे फादर इन रिटायर हो गए हैं आज के टाइम पर, और ये साले साहब ने 1 साल पहले मेरे पास आए, कुछ ऐसी सिचुएशन इनकी बैंकिंग में हुआ, लास्ट ये थे कोटक महिंद्रा में ब्रांच हेड हुआ करते थे अकबरपुर में, एक शाम मेरे पास आए और बोले बस चीज करना, मैंने क्यों, बोला नौकरी से मन भर गया। ये बहुत पुरानी बहुत सारी दास्तान है। सो जिस व्यक्ति के बारे में और जिस व्यक्ति के प्रोफेशन और बिजनेस के बारे में लोगों ने कहा था कि ये काम नहीं करना चाहिए, सो आज दुनिया वाले हमारे पास आ रहे, चाहे वो हमारे मित्र हो, चाहे वो हमारे रिलेटिव हो, या हमारे पड़ोसी हो, या कोई भी हो, सारे के सारे लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बस चीज को ज्वाइन कर रहे हैं। और ये सब कुछ संभव इसलिए हो पाया क्योंकि इस बिजनेस में बहुत सारे मुश्किल आए, बहुत सारी परेशानियां आई, पर फिर भी मैं डटा रहा, मैं टिका रहा, और पिछले 13 सालों में इस बिजनेस ने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। आज बहुत बड़े बड़े सम्मान है, लोगों का प्यार है, लोग कोशिश लगाते हैं, बहुत बड़ी टीम है जिनको मैं मोटिवेट करता हूँ, जिनको मैं एजुकेट करता हूँ, जिनको मैं लीड करता हूँ, और जिनसे मैं प्यार करता हूँ। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बतानी है, पर आज 2020 का मैच है और मेरे पास आधे घंटे हैं। मैम पूरे हो गए, बहुत ज्यादा हो गया। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।